हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे आज के एक और नए वीडियो के अंदर। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एनिमल किंगडम्स की कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिससे हम एनिमल किंगडम को आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एनिमल्स किंगडम के अंदर सिलोम ए सिलोमेट या फिर सीडो सिलोमेट के अंदर, तो हमें नॉर्मली इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि इसको याद कैसे करें, कि सीडो सिलोमेट कौन सा है, कौन सा जो संघ है वो सीडो सिलोमेट है, ए सिलोमेट में कौन सा आता है, और सिलोमेट जिसके अंदर सिलोम प्रेजेंट है, सिलोमेट जो संघ कौन कौन से है, इनके नामों के अंदर हमें क्या होता है नॉर्मली कंफ्यूजन होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इस एक ही वीडियो के अंदर, एक ही लाइन के अंदर, सारी ट्रिक्स के अंदर ये सारा कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो सीडो सिलोमेट की, सीडो सिलोमेट का मतलब उसके अंदर क्या पाई जाती है, कूट गुहा। कूट गुहा मतलब उसके अंदर गलती से पाई, मतलब उसके अंदर क्या होती है, थोड़ी सी गलत जैसे वो वैसे होती है, मतलब सही नहीं होती है, झूठी होती है। तो सीडो सिलोमेट अगर पाई जाती है तो सीडो सिलोमेट किसके अंदर पाई जाती है, सीडो सिलोमेट नॉर्मली पाई जाती है एसके हेलमिंथिस के अंदर। एसके हेलमिंथिस के अंदर क्या पाई जाती है, सीडो सिलोमेट पाई जाती है। अच्छा सर, एसके हेलमिंथिस के अंदर तो क्या पाई जाती है, सीडो सिलोमेट, लेकिन हम तो क्या है एग्जाम्स के टाइम भूल जाते हैं कि सीडो सिलोमेट एसके हेलमिंथिस में पाई जाती है या फिर प्लेटी हेलमिंथिस में पाई जाती है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक छोटी सी क्या आपको लाइन याद रखनी है, छोटी सी ट्रिक जैसी एक लाइन याद रखनी है कि जब पूछो झूठ ही बताता है। हम अपने दोस्त से अगर कुछ भी पूछते हैं तो वो क्या बताता है, मैं झूठ बताता है। झूठ का मतलब क्या होगा, सीडो। झूठ का मतलब क्या होगा, सीडो। और पूछो का मतलब क्या होगा, आस्क। जब हम उससे आस्क करते हैं या फिर पूछते हैं तो वो हमें क्या बताता है, झूठ बताता है। क्या बताता है, सीडो बताता है। तो आस्क से क्या हो जाएगा, एसके हेलमिंथिस, और सीडो से क्या हो जाएगा, सीडो सिलोमेट। और उसके बाद में मैंने आपको ये जो क्या है सीरीज का एक अलग से ट्रिक में भी वीडियो बना के बताया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो वो जाके देख सकते हैं। और इसको अगर हम याद करते हैं तो एसके हेलमिंथिस से पहले क्या आते हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटी हेलमिंथिस। तो इनके अंदर ये क्या होगी, सिलोम जो होगी वो एबसेंट होगी। सिलोम क्या होगी, एबसेंट होगी। तो इसके अंदर क्या होगा, ये ए सिलोमेट होगा। क्या होगा, ये ए सिलोमेट। और इसके जस्ट नीचे जो क्या है, सिलोम क्या है वो प्रेजेंट है। तो ये कैसे हो गए, सिलोमेट हो जाएगी, जो एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा एंड कोर्डेटा। तो आई होप आपको ये ट्रिक्स के द्वारा क्या है आसानी से समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी ट्रिक याद रखनी है कि जब मैं दोस्त से आस्क करता हूं या फिर पूछता हूं, आस्क मी फ्रेंड एंड वो क्या बताता है मुझे, सीडो या फिर गलत ही बताता है, झूठ ही बताता है। आस्क यानी एसके हेलमिंथिस, सीडो यानी झूठा या फिर सीडो सिलोमेट पाई जाती है किसके अंदर, एसके हेलमिंथिस की। तो दोस्तों आपको सब लोगों को ये ट्रिक समझ में भी आई होगी। एंड उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि जो जितने भी ये जो संघ वगैरह है एनिमल्स के, जितने भी किंगडम है, इनके अंदर जो सिमेट्री कैसी पाई जाती है, अगर हम बात करते हैं समिति की या फिर सिमेट्री की, तो सिमेट्री सामान्यतः कितने प्रकार की पाई जाती है। हम बात करते हैं किसकी, सिमेट्री की। तो सिमेट्री जो नॉर्मली कौन कौन से किंगडम्स के अंदर सिमेट्री पाई जाती है, तो सिमेट्री जो होती है वो किंगडम्स में दो प्रकार की पाई जाती है। एक तो होती है रेडियस सिमेट्री, दूसरी होती है बाइलेटरल सिमेट्री। तो हमें रेडियस किस किस में है और बाइलेटरल किस किस में है, इसकी क्या बताएंगे, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। तो मैंने एक ट्रिक्स बनाई है, एग्जाम्स में दो सर्कल का रेडियस आएगा। एग्जाम्स के अंदर क्या है, दो सर्कल का रेडियस आएगा। तो एग्जाम्स से हो गया क्या, इकाइनोडर्मेटा। क्या हो गया, इकाइनोडर्मेटा। एंड दो सर्कल से क्या हो गया, दो सर्कल से हमारा हो गया टिनोफोरा, और दूसरा क्या हो गया इससे सिलेंट्रेटा। क्या हो गया, सिलेंट्रेटा। और रेडियस से क्या हो गया, रेडियल सिमेट्री या फिर रेडियस सिमेट्री या फिर रेडियल सिमेट्री। क्या हो गया, रेडियल सिमेट्री हो गया। एग्जाम्स में दो सर्कल का क्या आएगा, रेडियस आएगा, रेडियस से हो गया रेडियल। रेडियल के अंदर कितने एग्जाम्पल है, इकाइनोडर्मेटा, टिनोफोरा और तीसरा क्या है, सिलेंट्रेटा।
तो फिर हम बात करते हैं बाइलेटरल के अंदर कौन कौन से किंगडम होंगे। तो बाइलेटरल के अंदर इन तीनों के अलावा जितने सारे जो होंगे वो किसके अंदर होंगे, इसके अंदर हो जाएंगे बाइलेटरल के अंदर। बाकी सबके अंदर क्या होगा, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी। तो आपको ये ट्रिक्स क्या है, मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गई होगी कि रेडियस सिमेट्री किसके अंदर, तीनों के अंदर, इकाइनोडर्मेटा, टेनोफोरा और सिलेंट्रेटा के अंदर, तीनों के अंदर। और तीनों को याद कैसे रखते हैं, एग्जाम्स में दो सर्कल का क्या आएगा, रेडियस आएगा। तो एग्जाम से हो गया इकाइनोडर्मेटा, सी से हो गया टेनोफोरा और सी से और क्या हो गया सिलेंट्रेटा, रेडियस से क्या हो गया रेडियल। तो फिर ये तो हमने किसकी बात की थी, रेडियस की बात की थी। फिर अगर हम सिमेट्री के बाद में एक और चीज देखते हैं, वो चीज है सेगमेंटेशन। क्या है सेगमेंटेशन, जैसे हम नॉर्मली विखंडन भी कहते हैं, क्या कहते हैं हम विखंडन। तो विखंडन किस किस के मध्य पाया जाता है, या फिर कौन कौन से जो जंतु होते हैं वो विखंडन दिखाते हैं, कौन कौन से विखंडन नहीं दिखाते, या फिर सेगमेंटेशन नहीं दिखाते है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूं कि अंगूर को क्या करो, अंगूर को काटो, क्या करना है अंगूर को काटो, अंगूर को काटो। तो काटो को हम क्या बोलेंगे, सेगमेंटेशन। क्या कहेंगे इसको, सेगमेंटेशन। हम पढ़ क्या रहे हैं अभी, सेगमेंटेशन पढ़ रहे हैं। हमने काटो को क्या बोल दिया, सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन के अंदर अंगूर को क्या बोलेंगे, एक अंगूर है एन, अंगूर का एक क्या आ जाएगा ए आर, और को क्या आ जाएगा सी एच ओ, काटो मतलब सेगमेंटेशन, क्या होगा सेगमेंटेशन। तो एन से क्या हो गया एनेलिडा, क्या हो जाएगा एन से एनेलिडा, ए से क्या हो जाएगा ऑर्थोपोडा, और सी एच ओ से क्या हो जाएगा कॉर्डेटा। तो ये तीनों क्या दिखाते हैं, ये तीनों दिखाते हैं सेगमेंटेशन। बाकी वाले क्या करते हैं, सेगमेंटेशन नहीं दिखाते। तो आई होप आपको ये सेगमेंटेशन क्या है याद हो गया होगा कि अनार को क्या करना हमें काटना है, अनार को या फिर अंगूर को हमें क्या करना है काटना है। अनार भी बोल सकते हैं या फिर अंगूर भी हम बोल सकते हैं, नॉर्मली इसको हम क्या बोल दो अनार। अनार को क्या करना है, अनार को काटो या फिर अनार के क्या करो सेगमेंटेशन करो। तो सेगमेंटेशन जब करते हैं तो अनार में एन आ जाएगा एनेलिडा का, ए आर आ जाएगा ऑर्थोपोडा का, सी एच ओ किसका हो जाएगा कॉर्डेटा का। सेगमेंटेशन आपकी जो ट्रिक्स के द्वारा क्या हो गई है पूरी। फिर अगर हम बात करते हैं सिलोमेट को मैंने बता दिया, रेडियल सिमेट्री बता दी। सेल्स अगर हम बात करते हैं तो सेल इसके अंदर मतलब सेलुलर जो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ पॉलीफेरा के अंदर पाया जाता है। फिर दो के अंदर दो टिश्यू क्या पाए जाते हैं, दो के अंदर टिश्यूलर लेवल का पाया जाता है सिलेंट्रेटा और टेनोफोरा के अंदर। उसके बाद में क्या स्टार्ट हो जाता है ऑर्गन लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है सिस्टम या फिर जो होता है वो इसके अंदर स्टार्ट हो जाता है। फिर हम बात करेंगे आगे स्पंज के एग्जाम्पल की, फिर बात करेंगे स्पंज के एग्जाम्पल कौन कौन से है, साइकॉन वगैरह है, सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल कौन कौन से है, प्लेटी एलमेंथीज के एग्जाम्पल कौन कौन से, एकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल कौन कौन से। इन सारे एग्जाम्पल को मैं आपको ट्रिक्स के द्वारा कराने वाला हूँ। कैसे ट्रिक्स के द्वारा कराने वाला हूँ, तो ट्रिक्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, तथा इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें जो नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर क्लास इलेवेंथ या फिर ट्वेल्थ में हो, वो कहीं अच्छे स्कूल में पढ़ भी रहे हो। थैंक यू फ्रेंड्स।